ठीक है, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से जो भी आपको लेना है, एक और ले लेते हैं, अपन ने ले लिया है तीन, ठीक है, और लेना है तो आप और ले सकते हैं। अपन यहाँ से क्लोज कर देते हैं, क्लिक करेंगे, अपन इंसर्ट साइटेशन पर जाएंगे, देखिए तीन आ गए। अब अपन क्या करेंगे, जो भी आपको इंसर्ट करना है उस पर आप क्लिक करते जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि हम एक यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। और एक हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तीनों। अब आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप करोगे मार्क साइटेशन में, ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम आ गया इस तरह से, और अपन इसको क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद अगला जहाँ पर भी आपने दिया है वहां जाएंगे आप, ठीक है, मार्क साइटेशन पर जाएंगे, ये देखिए इस तरह से नाम शो होने लगेगा, और अपन इसको भी मार्क कर देते हैं। अभी अपन ने दो ही मार्क किए हैं, अब आपको कहाँ चाहिए वहां जाकर आप क्लिक करोगे, ऊपर चाहिए तो ऊपर ले सकते हैं, नीचे चाहिए तो नीचे ले सकते हैं, क्लिक करेंगे जहाँ भी आपका क्लिक होगा उस जगह पर आएंगे। इन मार्क को हटा देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक है अपना, रेफरेंस पर जाएंगे। अब जैसे कि इसमें क्या किया था अपन ने, इंसर्ट इंडेक्स, अब यहाँ पर भी अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है, इस पर अपन क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, ओके करना। तो ये देखिए जो भी दो लिए होंगे वो आ गए, शायद अपन ने एक ही लिया था, ठीक है, इस तरह से आ गए। अब देख जैसे एक लिया आपको और भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करेंगे ये वाला है, इसको अपन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मार्क्स सिटेशन पर जाते हैं और यहाँ से मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आएंगे अपन, ठीक है, इसको भी अपन अपडेट कर देंगे, तो ये देखिए दो हो गए, आप और ले लेंगे, उसको भी अपडेट करते जाएंगे, तो सर आते जाएंगे। आया समझ में, इतने में कुछ डाउट था? ये दोनों तो लगभग सेम ही है, बस सब में अपडेट अपडेट करना है, जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कुछ रखना चाहते हैं, वैसे मेनली तो ये नीचे ही रखते हैं, अगर आप चाहते हैं ऊपर आ जाए तो ऊपर भी ले सकते हैं, और आप अपडेट पर जाएंगे, ठीक है, अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तो है ही उसमें, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि लाइन्स आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो आप, इसमें तो ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो पैराग्राफ मार्क आ गया है इसको आप हटा सकते हो, इस पर अपन क्लिक करेंगे, हट जाए, ठीक है, आया समझ में, आप लोग लेट हो गए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आया समझ में इतना, रेफरेंस टाइप में। अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो, नहीं है आ गए समझ में, अच्छे से पूरा आ गया। अब अगला है अपना इसमें मेलिंग स्टैंड, मेलिंग स्टैंड में यहाँ पर रेफरेंस टैब और पेज लेआउट कुछ भी भूलना नहीं, आप पुराना भी रिविजन करते रहना, ठीक है, तो मेलिंग स्टैब पर हम क्लिक कर रहे हैं, मेलिंग स्टैब सही समझ में आ रहा है, मेलिंग, ठीक है, मेल वगैरह करने के लिए अपन इस टैब का यूज करते हैं। तो मेलिंग्स में सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें, कि आप इसमें मेलिंग्स टैब के माध्यम से एक साथ कई व्यक्तियों को लेटर्स या फिर कोई भी लेटर के अलावा मेल वगैरह एक साथ कर सकते हैं, तो इसलिए अपन मेलिंग्स टैब का यूज करते हैं, मतलब आपका डाटा जो है वो तो वही रहेगा, बाकी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी, अपन अभी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें ये अपन को आगे भी मिलेगा, ये अपन को आगे भी मिलेगा, एनवेलप लेबल्स स्टार्ट मेल पर, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको मिलेगा, देखिए एनवेलप लेबल्स, ठीक है, यहाँ पर भी, तो इसका क्या यूज है, जैसे कि हम एनवेलप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह का आपके सामने डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। एनवेलप्स क्या होते हैं, लिफाफे, लिफाफों को एनवेलप्स बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि अपना जो पेज है वो किस तरह से आपको दिख रहा है, जैसा नॉर्मल पेज रहता है उस तरह से दिख रहा है। अगर आप एक कोई एनवेलप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर लिफाफा टाइप में बनाना चाहते हैं, तो वो आप क्या करोगे, एनवेलप्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी एड्रेस और नीचे आ रहा है रिटर्न एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर आप किस जगह पर एनवेलप्स का क्या काम होता है, लिफाफों का, अपन किसी को कुछ भेजते हैं, लिफाफे के अंदर रखते हैं और भेज देते हैं, उसके ऊपर उस व्यक्ति का एड्रेस लिख देते हैं जिसको भेजना है और जिसके द्वारा भेजा गया है वो लिख देते हैं, तो इस तरह से अपन यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं।
ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं एड्रेस, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं अपन रूम नंबर 5, ठीक है, और अपन चांदनी चौक विदिशा, ठीक है। अब यहाँ पर किसके द्वारा भेजा जा रहा है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखा है दुर्गा नगर विदिशा, अपन लिखा रहने देते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है ऐड टू डॉक्यूमेंट, इस पर अपन क्लिक कर देंगे। आप देखिए इस तरह से आपके सामने एंड वाला पड़ जाएगा। ये इस तरह से क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि अपना पेज जो है वो अपन ने जूम आउट कर रखा है। आप जूम इन करेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, देखिए एंड वाला इसी तरह से रहता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसका चेंजेस करना है आपको इसमें कुछ, तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए अपन ने ऊपर किया था, इसी तरह से रहता है। अगर आप इसमें कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपन फिर से एनवेलप्स पर चलते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया था, अब आपको जो भी इसमें चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए क्या आ रहा, पहले क्या आ रहा था, अब आ रहा है चेंज डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर क्या आता है, जिसमें भी भेजा है उसका नाम, और यहाँ पर क्या आता है डिलीवरी एड्रेस। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फॉन्ट किस तरह से चाहिए आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। देखिए पूरा चेंज कर सकते हैं आप अपने को, वैसे तो वो डिफॉल्ट में जैसा सेव वैसा ही है, मगर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन दिया है, फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या रखना है बाद में भी बाहर से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना है समझ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अपन यहाँ से चेंज डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से आपके सामने आ जाए। अब यहाँ पर आप और कुछ भी लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो बाद में भी कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ये काम रहता है एनवेलप्स का। अब हम आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन अपन उसमें ही पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपके सामने स्टार्ट मेन मर्ज, मेन जो है वो आपके सामने यही है, बाकी आपको इसके अंदर ही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप मेन मर्ज विजार्ड के अंदर। अगर आप चाहते हैं बाहर से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। इनमें आप क्या कर सकते हो, एक साथ सारे ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसमें 6 स्टेप रहती है। जैसे आपका सिलेबस में दिया हुआ है मेल मर्ज के बारे में बताइए, डीसी पीजी डीसी फर्स्ट सेम की पीसी पैकेज की बुक में दिया हुआ, तो उसमें आप इसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है स्टेप 1 of 6, यानी कि हमारे पास 6 स्टेप है, उसमें से हम फर्स्ट स्टेप पर हैं। और यहाँ पर स्टार्ट मेन मर्ज में आप जा रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है लेटर्स, ठीक है, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप, यहाँ से ये देखिए एनवेलप दिया हुआ है, लेबल्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी लेबल्स दिया हुआ है, डायरेक्टरी दी हुई है, यहाँ पर भी डायरेक्टरी दी हुई है, नॉर्मल बर्थडे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसलिए नहीं दिया। देखिए नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमें कुछ चाहिए नहीं, नॉर्मल रखना हमारा डॉक्यूमेंट, तब आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि आप कोई लेटर बना रहे हो, लेटर या फिर कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिपोर्ट जो भी है, उसको आप पहले से टाइप करके रख सकते हो या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको आप अभी हमने इसको टाइप कर लिया है, मान लीजिए आप पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, स्टार्ट मेल मर्ज पर जाओगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लेटर, आप लेटर से इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब ये जो है हमारे पास एक कोई लेटर है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हम बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ भेजना चाहते हैं, लेटर हमारा एक ही रहेगा। उसके नीचे जैसे नीचे या ऊपर कहीं पर भी आप नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया अजय, और भी बहुत सारे अपन लिस्ट बना ली। हम चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास उसका नाम, मतलब ये लेटर है, लेटर तो सबके पास सेम ही जाएगा लेकिन नाम उसी व्यक्ति का जाए, उसकी जो भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे वो उसी व्यक्ति की जाए। जैसे कि आप कोई कार्ड रहता है, आप शादी के कार्ड रहते हैं, जैसे कि उसका ही अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें क्या रहता है कार्ड तो सेम ही रहता है, बस आप क्या करते हो जिसको भी आप मिल रहे हैं